आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर मेडिसिन लेने के बावजूद भी क्रिएटिनिन लेवल यूरिया लेवल बढ़ता चला जाता है। बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन लेवल यूरिया लेवल पेशेंट को बहुत ज़्यादा चिंता में डाल देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर लेवल इसी तरह से बढ़ता रहा तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब मुझे डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किडनी फेलियर जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें 80% जो कारण होता है या तो वो बीपी होता है या फिर वो शुगर होता है। जब हमें बीपी शुगर की दिक्कत होती है तो हमारे पूरे शरीर पर उसकी वजह से बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, किडनी भी उसमें से एक है। किडनी क्योंकि हमारी डेलिकेट ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरे शरीर का खून उसने साफ करना होता है, तो जब खून किडनी के अंदर फिल्टर होने जाता है तो उसको बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड होना पड़ता है। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं जो खून को साफ करते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो जो ब्लड सप्लाई उनको मिल रही होती है वो भी बहुत बारीक सी होती है, वो हमारे बालों से भी 1/3 पतली होती है।